गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। चलिए हम कर रहे हैं बच्चों एडिशन। देखिए यूकेजी में एक हमारा एडिशन है, एक सब्ट्रैक्शन है, एक मल्टीप्लिकेशन है। डियर पेरेंट्स, हम एडिशन लेंगे एफ ए टू में, हम सब्ट्रैक्शन लेंगे एफ ए थ्री में, और एफ ए फोर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये दोनों भी साथ में हम लेकर चलेंगे। देखिए बच्चों, ये साइन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको साइन की रिकॉग्नाइजेशन करनी बहुत ज़रूरी है। ये प्लस का साइन है। देखिए प्लस का साइन के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्लीपिंग लाइन। तो ये किसका साइन है? एडिशन का साइन। अगर आपको साइंस की पहचान नहीं है तो हम जब आपको एफ ए थ्री में देंगे सम्स तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि तब आपकी सब्ट्रैक्शन भी चलेगी और मल्टीप्लिकेशन भी चलेगी। तो सबसे पहले साथ साथ आप एडिशन के साइन की भी पहचान करिए। ये कौन सा साइन है बच्चों? विच साइन इज दिस? ये है एडिशन के, एडिशन का साइन, राइट? चलिए अब हम आपको करवाते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, हाउ मैनी इरेजर्स आर देयर? टू, वन टू। अब देखिए आपको जब सम्स करने पड़ते हैं, ये तो काउंट एंड राइट का कॉन्सेप्ट था कि आपको काउंट करने थे और आपको आंसर लिखना था। अब हमारा, अब हम यूकेजी में हो गए, कॉन्सेप्ट बढ़ गए। अब कैसे करना है आपको? डियर पेरेंट्स, मैंने यहाँ रखी एक इरेजर और एक इरेजर यहाँ रखी, देखिए, राइट? अब ये कितनी इरेजर्स है बच्चों, टेल मी? ओनली वन। तो राइट डाउन वन। अब यहाँ कितनी है? सेकेंड रो में वन। तो इसके नीचे भी हम क्या लिखेंगे? वन। और जो सेकंड वाला है उसके यहाँ पर हम बनाएंगे एडिशन का साइन। कैसे बनता है? स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्लीपिंग लाइन, और फिर यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन लगाएंगे ऐसे, ठीक है? अब आपको इसको काउंट करना है, कितने लिखे हैं यहाँ पे? वन। तो कितनी लाइंस लगाएंगे हम? वन। यहाँ कितने लिखे हैं? वन। तो यहाँ भी कितनी लाइन्स लगेंगी? वन। अब इसको काउंट करेंगे, वन, बोलो बोलो, टू। तो योर आंसर इज टू, राइट? अब देखिए, अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। देखिए आई हैव अ थ्री स्केच पेन्स, राइट? अब काउंट एंड राइट में तो मैं बोलती थी काउंट करो वन टू थ्री और आप आंसर लिखते थे थ्री। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब देखिए ये मैंने रखे टू, राइट? और यहाँ रखा मैंने वन। कितने हैं बेटा, काउंट करो, वन टू। तो फर्स्ट ब्लॉक में आपने लिखना है टू, फिर कितना है? वन। इसके निचले वाले ब्लॉक पे करना है वन, और फिर मैंने कहा नीचे वाले जो भी होगा उसके ब्लॉक के सामने हमने प्लस का साइन लगाना है, एडिशन का साइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन। अब हम करते हैं टू के सामने कितनी लाइंस लगानी है हमें? ओनली टू, वन टू। और यहाँ कितने हैं? वन। तो ओनली वन। अब हमने इसको काउंट करना है, वन टू थ्री। तो योर आंसर इज थ्री। अब अदर और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आई हैव अ सम कैंडीज, राइट? किस किस को पसंद है? ज़्यादा कैंडीज खाने से दांत खराब हो जाते हैं, राइट? तो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, चलिए थोड़ी बहुत टेस्ट कर लेना चाहिए। चलिए अब देखिए मेरे पास यहाँ पर कैंडीज हैं ऐसे, आपने ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट दीज कैंडीज, वन टू थ्री। तो यू हैव टू राइट थ्री, राइट? और दूसरे में कितने हैं? वन। तो आपको इसके नीचे वाले बॉक्स में लिखना है वन, देन राइट डाउन द साइन ऑफ एडिशन एंड देन स्लीपिंग लाइन एंड काउंट इट। थ्री के सामने कितनी लाइंस लगानी है हमने? हाउ मेनी लाइंस आर देयर? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? ओनली वन। डिजिट कौन सा है, नंबर कौन सा है? थ्री। तो कितनी लाइंस लगानी है? ओनली थ्री, वन टू थ्री। यहाँ कौन सा नंबर है? नंबर वन। तो वन। अब काउंट करेंगे हम इन लाइंस को, वन टू थ्री फोर। तो योर आंसर इज फोर, राइट? अब मान लीजिए मैंने इसमें से एक कैंडी यहाँ रख दी और एक कैंडी यहाँ रख दी। अब इस सम को करते हैं, तो चलिए करिए, हाउ मैनी कैंडीज आर देयर? वन टू। तो राइट डाउन टू। हाउ मैनी कैंडीज आर देयर? टू, वन टू।
तो इसके नीचे भी आ जाएगा टू. देन राइट डाउन द साइन ऑफ एडिशन, देन स्लीपिंग लाइन एंड देन टू के सामने कितनी लाइन्स आएंगी, वन टू. यहाँ भी कितने कौन सा नंबर है, टू, तो यहाँ भी लाइन आ जाएगी टू. देन काउंट इट, वन टू थ्री फोर, तो योर आंसर इज फोर. आपको इसी पैटर्न को फॉलो करके एडिशंस के सम्स आएंगे, क्योंकि आप काउंट एंड राइट करके आए हैं. तो देखिए, अब यहाँ थ्री टू की जगह थ्री भी हो सकता है, राइट, तो यहाँ वन, ये भी सम बन गया. वन वन भी हो सकता है, टू वन भी हो सकता है, टू टू भी हो सकता है, थ्री वन भी हो सकता है, और फोर जीरो भी हो सकता है ना. इस तरह से आपको बहुत से सम्स बन सकते हैं. कुछ भी ऑब्जेक्ट्स रखिए, इससे प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जल्दी आएगा. तो डू प्रैक्टिस एट होम. बाय बाय.